इस कोरोना काल में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही थी, जिसके चलते सीएम शिवराज ने भी एमपी को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला लिया है। सीएम शिवराज अपने घर से ही एक वेबिनार में शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के सभी बड़े आला अधिकारी मौजूद रहे। इस वेबिनार में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में आगे रहकर देश में अलग उदाहरण पेश करेगा। इस दौरान सीएम ने बताया कि किसके क्षेत्र में काम करने से एमपी आत्मनिर्भर बनेगा। मध्य प्रदेश देश का दिल है, हम बीच में हैं, चारों तरफ मध्य प्रदेश से देश की चारों दिशाओं में सामान भेजा जा सकता है। ड्राई पोर्ट हमारे पास है, लॉजिस्टिक हब मध्य प्रदेश बन सकता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अर्बन डेवलपमेंट उसके नए आयाम है, उस पर भी विस्तार से काम करना है। और अर्बन डेवलपमेंट की जब हम बात करें, गरीबों को वहां स्थान कैसे मिले, झुग्गी झोंपड़ी रहित कैसे हो, इसलिए अर्बन डेवलपमेंट में गरीबों के लिए भी स्थान, उनके मकान, प्रधानमंत्री जी का सपनी है सबका घर हो अपना, उस दिशा में काम करना है। फिर हमारा रियल एस्टेट सेक्टर कैसे उठे, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट और रियल एस्टेट एक दूसरे के पूरक है। ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना है, अभी प्रधानमंत्री जी ने रीवा के हमारे 750 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया, अभी मुरैना में, छतरपुर में हमारे रतलाम, मंदसौर, नीमच, साजापुर, वहां सोलर की अपार संभावनाएं। पानी जो बांधों का है उनमें सोलर पैनल बना के बिछा के वहां से ऊर्जा पैदा करना, पानी के वाष्पीकरण को रोकने का प्रयास भी करना, ऊर्जा सेक्टर में काफी काम हमको करना है। एक नहीं, ऐसे अनेकों सेक्टर है। फिर बड़ी समस्या है रोजगार की, रोजगार इन सबसे जुड़ा है। लेकिन जैसा अमिताभ कांत जी बता रहे थे, मध्यप्रदेश में जल संपदा, जन संपदा, खनिज संपदा, वन संपदा, हम अपनी खनिज संपदा का बेहतर दोहन कैसे कर सकते हैं, उस पर आधारित उद्योग कैसे लग सकते हैं, कच्चा माल क्यों बाहर जाए, उसकी प्रोसेसिंग मध्यप्रदेश में क्यों ना हो, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर मध्यप्रदेश। और इसलिए इन सारे सेक्टर्स में अलग अलग काम करने की अपार संभावना है। अर्थव्यवस्था को गति देना है, कोविड ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, लेकिन हम निराश होकर बैठे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी अधिकारियों के सामने एमपी को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है इसका रोड मैप तैयार करने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का, और जो सुझाव देंगे आप, मैं आपको वचन देता हूं, जो इंप्लीमेंट करने लायक है उनको जमीन को उतारने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 15 अगस्त को जो प्रदेश को संबोधन मेरा होगा, उसमें से जो एक्शनेबल पॉइंट्स इस वेबिनार में से निकलेंगे, मैं उसी दिन जनता के बीच भी उसकी पूरी रूपरेखा बना के और ऐलान करूंगा कि हम ये करेंगे। 3 साल में मध्य प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने प्रधानमंत्री के सपने के अनुसार, इसका रोडमैप टारगेट है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश लक्ष्य, वो रोडमैप आपके साथ बैठ के हम बनाएंगे। और मैं आपको ये वचन देता हूं कि जो टारगेट तय होगा, रोड मैप बनेगा, उसको पूरा करने के लिए टारगेट हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। हम 1 साल में क्या करेंगे, हम 2 साल में क्या करेंगे और 3 साल तक हम कहां पहुंचेंगे, और 1 साल में भी जो हम करेंगे उसको भी क्वार्टरली बांटेंगे, 3 महीने में क्या, 6 महीने में क्या, 9 महीने में क्या, 12 महीने में क्या। सीएम ने वेबिनार में शामिल नीति आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, प्रदेश के मंत्रीगणों, वेबिनार में सहभागिता कर रहे करीब 150 प्रतिनिधियों को संबोधित किया था और चर्चा हुई कि जल्द से जल्द एमपी को आत्मनिर्भर बनाने पर कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।